इस वक्त के दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, दिन भर के मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #VSupportIndia। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी के निशाने पर अक्सर गोदी मीडिया रहती है। आप लोगों को बताते चलें, गोदी मीडिया केंद्र की मोदी सरकार से एक भी सवाल नहीं पूछती है, और वहीं पूरे मुद्दे पर बताते चलें, राहुल गांधी प्रेस वार्ता कर रहे थे तो गोदी मीडिया ने कुछ ऐसा सवाल किया कि राहुल गांधी भड़क गए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कई मुद्दों पर अपनी राय जाहिर करने के लिए यहां पर प्रेस वार्ता कर रहे थे। इस दौरान राजनीति में वंशवाद को लेकर के उन्होंने बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल उठाए हैं। दरअसल राहुल गांधी से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि बीजेपी उन पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाती है। इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी भड़क गए। राहुल गांधी ने पूछा कि अमित शाह का बेटा क्या करता है, उसके पास आखिर ऐसी कौन सी योग्यता है जो वो BCCI का सचिव बना बैठा है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या करता है। ये यहां पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से भाजपा को ही वंशवाद की राजनीति के मुद्दे पर घेरा है। और इसके अलावा यहां पर राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा के अंदर कई ऐसे उदाहरण हैं जो वंशवाद की राजनीति हैं। ये यहां पर राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया का मुंह बंद करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी राहुल गांधी के बयान से सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव आयोग का चला है गोदी मीडिया पर डंडा। जी हां दोस्तों, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में मतदान से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, इस तारीख से एग्जिट पोल दिखाने पर लगा दी है पूरी तरह से रोक। जी हां दोस्तों, खबर आप लोगों को यहां पर बताते चलें, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में इस महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक अहम फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल को दिखाने, छापने और इसका प्रचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि अगर मीडिया यहां पर कोई भी उल्लंघन करता है आदेश पर तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी की जाएगी। ये यहां पर दोस्तों चुनाव आयोग की तरफ से बेहद ही बड़ी खबर आई है सामने निकल के। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना के मेजर को किया है बर्खास्त, संवेदनशील जानकारी शेयर करने का आरोप है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना के एक मेजर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। यह मेजर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यूनिट में था, उसकी तैनाती उत्तर भारत में थी। बताया जा रहा है कि बर्खास्त किया गया मेजर सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव के संपर्क में था, जिसके बाद यहां पर सेना ने जांच की पूरे मामले पर, और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए यहां पर बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राज्यपाल से टकराव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं पंजाब और तमिलनाडु की राज्य सरकारें। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, तमिलनाडु की स्टालिन सरकार और राज्यपाल RN रवि के बीच में तनातनी इस कदर बढ़ी है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। स्टालिन सरकार का कहना है कि राज्यपाल जनता के हित और इच्छा को नजरअंदाज कर रहे हैं और उनके पास भेजे गए विधेयकों को मंजूरी नहीं मिल रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर के मांग की है कि राज्यपाल को समय सीमा के भीतर विधेयकों को मंजूरी देने का निर्देश दिया जाए। और वहीं इसी तरह के टकराव को लेकर के पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का ही रुख किया है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो जहां पर विपक्षी सरकारें हैं वहां पर राज्यपालों के जरिए भाजपा शासन करना चाहती है, मुख्यमंत्रियों को काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। जो भी विधेयक पास किए जाते हैं उनको राज्यपाल लटकाए रहते हैं, जिसके बाद अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले दोस्तों। RTI एक्ट को लगातार कमजोर कर रही है मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट यहां पर भड़का है पूरे मामले पर। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि RTI एक्ट आया,
तो ऐसा लगा जैसे सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, लेट लतीफी जैसी बुराइयां खत्म करने का एक घातक हथियार सीधे जनता के हाथ ही लग गया है। लेकिन अब मोदी सरकार इस कानून को लगातार कमजोर करती जा रही है ताकि यहां पर सरकार की सच्चाई जनता जान ही ना सके। और वहीं अब देश की सर्वोच्च अदालत भी कह रही है कि आरटीआई एक्ट की धार बड़ी तेजी से यहां पर धीमी होती जा रही है और यह एक बेकार से कानून की श्रेणी में तब्दील होता जा रहा है। बताते चलें, तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार ने शासन प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के मकसद से ये कानून बनाया था, लेकिन जब से केंद्र की मोदी सरकार आई है तब से आरटीआई एक्ट को लगातार कमजोर किया जा रहा है ताकि आम जनता कुछ सरकार के बारे में जान ही ना सके। और उसी पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट भी भड़का है केंद्र सरकार पर। दोस्तों, आप लोग भी अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक और बड़ी खबर बताते चलें, राजस्थान में वोटिंग से ठीक पहले यहां पर भाजपा पूरी तरह से टूट की कगार पर पहुंची है। जी हां दोस्तों, वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक यूनिस खान ज्वाइन करेंगे कांग्रेस पार्टी। राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका। वसुंधरा राजे के जो कट्टर समर्थक हैं वे लगातार यहां पर बागी नजर आ रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी की लिस्ट में कई नेताओं के नाम नदारद होने के बाद यहां पर घमासान मचा हुआ है। बताते चलें आप लोगों को, भाजपा ने इस बार के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के कई समर्थकों के टिकट काट दिए हैं, जिसके बाद वसुंधरा राजे के कई समर्थक तो निर्दलीय मैदान में उतरने को तैयार हैं, तो वहीं कई समर्थक भाजपा छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसके बाद पूरी तरह से भाजपा अब टूटती हुई नजर आ रही है। और वहीं वसुंधरा राजे ने भी पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है, इससे भी भाजपा की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और वे भी लगातार चुनावी प्रचार से काफी यहां पर दूरी बनाए हुए हैं, जिसका खामियाजा भाजपा को होने वाले विधानसभा चुनाव में लगभग भुगतना ही होगा। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। फोन हैकिंग के मामले पर घिरती ही जा रही है केंद्र सरकार। राहुल गांधी के बाद अब अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला है और भड़के हैं मोदी सरकार पर फोन हैकिंग पर। अखिलेश यादव बोले, कहा मोदी जी विपक्ष की बात सुनने से ज्यादा अच्छा तो ये है कि जनता की आवाज सुन ले। आप लोग अगर जनता के लिए काम करते तो विपक्षी नेताओं के फोन हैक करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, आप तो जासूसों की तरह काम कर रहे हैं। ये यहां पर अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से घेरा है केंद्र की भाजपा सरकार को। दोस्तों, आप लोग भी अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में पूरे प्रकरण को लेकर के। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से खबर आ रही है, मराठा आरक्षण को लेकर के सर्वदलीय बैठक के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नहीं मिला आमंत्रण तो संजय राउत का फूटा है गुस्सा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। अब इसी बैठक पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में उनकी पार्टी के सांसदों और विधायकों को आमंत्रित नहीं किया गया। और वहीं उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है, उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण को लेकर के चल रहे आंदोलन का समर्थन किया है और वह यह भी मांग कर रहे हैं कि इस पर जल्द फैसला होना चाहिए। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।